रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना नफाक की निशानी है। अंसार की मोहब्बत ईमान की निशानी है। सही बुखारी हदीस नंबर 17। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना, और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए, और तुम आग के गढ़े के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम राह रास्त पर रहो। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं। उनका काम अल्लाह के हवाले, फिर जो जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। जो कोई अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा तो उसको वैसी 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बुराई लाएगा तो उसे सजा उस जैसी ही मिलेगी, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा दिया है, यानी दीन सही, तरीका इब्राहिम का, जो एक अल्लाह ही के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। यह भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है, और मैं सबसे अव्वल फर्माबरदार हूं।